खगड़िया जिले के बेलदौर विधानसभा क्षेत्र के उसराहा मध्य विद्यालय के प्रांगण जननायक कर्पूरी ठाकुर चर्चा व विहार में जाति आधारित गणना कराकर गणना रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार कार्यक्रम के दौरान चलचित्र पर पुष्प अर्पित एवं दीप प्रज्वलित कर जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जदयू के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता व विधान पार्षद नीरज कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जाति आधारित गणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर बिहार के 1,20,336 शिक्षक नियुक्ति कर ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। यदि 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में 7 निश्चय योजना, नल जल सहित तमाम विकास कार्य को बखूबी पर रखा। साथ ही केंद्र की सरकार की जमकर निंदा की, कहा कि बीजेपी सरकार जाति आधारित गणना को रोककर पिछड़ा अति पिछड़ा की हकमारी करना चाहती थी। बिहार में पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति बंद कर दी और संविधान बदलने की तैयारी कर रही है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। मोदी की डिग्री पर तंज कसते हुए कहा कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कहीं होती है क्या? मोदी जी ने इसकी डिग्री ले रखी है। नरेंद्र मोदी ने गलत तरीके से अपने को पिछड़ा घोषित करवाया और फर्जी बोलकर देशवासियों को गुमराह किया। आपने क्या कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी जब साथ थी तो जाति सर्वे कराया। अरे कलेजा में दम है तो जातिगत जनगणना कराओ। देश के अंदर जनगणना तो आप करा नहीं रहे हैं और आपने संख्या बल के बारे में बोला। अरे किसकी संख्या बढ़ी है? जो जाति सर्वे की रिपोर्ट आई है उसमें बढ़ई जात के, भूया जात के, चमार समुदाय का, तुषार समुदाय का, हजाम समुदाय का, केवट का, कुम्हार का, माली का, मलाह का, मुसहर का, पाशी का, तेली का, बनिया का, और आप कह रहे हैं समाज के अंदर में जहर घोलते हैं। अरे सच को सच है कहिए, और अगर हमारी रिपोर्ट से असहमत है तो अगर कलेजा में दम है, जो नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपनी जाति को पिछड़ा जाति में शामिल करवा करके जो राजनीति में फर्जीवाड़ा किया है उसके उद्भेदन के डर से तो जातिगत जनगणना नहीं करा रहे। बिहार की जाति सर्वे की रिपोर्ट ये महागठबंधन की सरकार पे जो नैतिक बल है माननीय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में, क्या उसके बदौलत हमने गणना भी कराया और रिपोर्ट सार्वजनिक भी किया। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए खगड़िया बिहार से सुदर्शन कुमार की रिपोर्ट।